चक्रव्यूह वेब सीरीज रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। ये एक चोर पुलिस या फिर कहें कि किलर और पुलिस चेज सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है जो 8 एपिसोड्स की है और हर एपिसोड लगभग 30 मिनट का है। इसके मेन स्टार कास्ट है प्रतीक बब्बर, आशीष विद्यार्थी और सिमरन कौर मुंडी। इस वीडियो में आप देखेंगे वेब सीरीज का प्लॉट, देखने के कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरी दुनिया की मूवी से रिलेटेड आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। प्लॉट। विकार एक पुलिस ऑफिसर है जिसके काम करने से उसके सीनियर्स कभी खुश नहीं होते हैं, खासकर जब वो एनकाउंटर करता है किडनैपर्स का और विक्टिम को सही सलामत छुड़ा लेता है। लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है और विकार को इस इंक्वायरी से बचाने के लिए ACP वाग पूरी कोशिश करता है। इसी बीच एक नया केस विकार का ध्यान खींच लेता है। एक रिजॉर्ट में एक लड़के का बेरहमी से मर्डर हो जाता है और शक उसकी गर्लफ्रेंड सागरिका पर जाता है जो कि खुद गायब है। फिर धीरे धीरे कुछ और मर्डर्स होते हैं जो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन सबका लिंक एक कॉलेज से जुड़ता है। वहीं सागरिका किसी दूसरी जगह बाहर सीढ़ियों में पड़ी हुई है और वो बेहोश है। अचानक उसे होश आता है, फिर उसके मोबाइल पे एक वीडियो क्लिप आती है जिसमें उसका और उसके बॉयफ्रेंड का MMS बनाया गया होता है और ये वही लड़का होता है जिसका शुरू में मर्डर हो चुका है। और फिर सागरिका को ब्लैकमेल किया जाता है पैसों के लिए। वहीं दूसरी ओर विकार डिपार्टमेंट की हैकर की मदद से कातिल को ट्रैक करने की कोशिश करता है, पर वो जब भी किसी लिंक के पास पहुंचता है तो उसका मर्डर हो जाता है। इन डेड बॉडीज की शिनाख्त में डॉक्टर सेना विकार की मदद करता है। तो कौन है असली कातिल? सागरिका, जो खुद ब्लैकमेल हो रही है। और अगर उसने उस लड़के को मारा भी है तो उसका क्या मोटिव है, और अगर किसी और ने मारा है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, और फिर मल्टीपल मर्डर्स क्यों हो रहे हैं और इनको कौन कर रहा है? क्या विकार ये केस सॉल्व कर पाएगा और अपने ऊपर बैठी इंक्वायरी से कैसे निपटेगा? जानने के लिए देखें ये वेब सीरीज चक्रव्यूह MX प्लेयर पर फ्री में। देखने के कारण, पहला, सीरीज फास्ट है, 30 मिनट का हर एपिसोड है जो आपको ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं लगेगा। अगला, सीरीज में पेमेंट का एक नया मोड दिखाया गया है, क्रिप्टो करेंसी का, जो असलियत में होता है। खासकर क्रिमिनल्स बहुत यूज़ करते हैं इसको, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जबकि इसका अच्छा खासा उपयोग होता है। अगला, डार्क वेब के बारे में आपने सुना तो होगा, ये सारी डीलिंग्स डार्क वेब के थ्रू होते हुए दिखाई गई है। ज़्यादा डीप में नहीं है लेकिन जुर्म की दुनिया में डार्क वेब का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो मात्र 5% है, बाकी तो आम आदमी जानता भी नहीं है। इसी में से एक है डार्क वेब। अगला, प्लॉट अच्छा लिखा है और थ्रिल भी अच्छा है। आशीष विद्यार्थी को देख के अच्छा लगा और आसिफ बसरा को भी, जो असली जिंदगी में अब सुसाइड कर चुके हैं। आशीष और आसिफ को छोड़ के बाकी सबका काम एवरेज है। नेगेटिव पॉइंट्स। पहला, प्लॉट अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूट और अच्छे तरीके से हो सकता था अगर मेन एक्टर्स ने अच्छा काम किया होता। अगला, डॉक्टर सिन्हा जो कि एक डॉक्टर है, पोस्टमार्टम करते वक्त पिज्ज़ा खाता रहता है, ये क्या लॉजिक है? क्या ये कूल लगता है? थोड़ा रियलिटी के करीब रह के कैरेक्टर लिखते तो अच्छा होता। अगला, प्रतीक बब्बर ने तो पूरी सीरीज को चूल्हे में डाल दिया है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर गर्म दिमाग का पुलिस ऑफिसर एक बोट पर जाके रात भर दारू क्यों पीता है, इतना टाइपकास्ट। प्रतीक ने जब डायलॉग डिलीवर किए हैं ऐसा लगा है कि जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा है, और चाल ढाल, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी है जैसे कोई 3 महीने बाद अचानक से हैवी एक्सरसाइज करता है और उसके बाद जो उसकी हालत होती है बस आप समझ जाइए। क्या ये वही एक्टर है जिसने मूवीज में अच्छा काम किया है? मैं इसको रेटिंग दूंगा 2/5।